बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत से, जहां पर भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में उतरेगी, लेकिन आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो सभी सीटों पर जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पहले एक समय लोकसभा चुनाव के अंदर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने आपको बता दें कि वहां से भी इनकार कर दिया था। इस बार के आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने साफ तरीके से इनकार कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए उनकी पूरी पार्टी की तैयारी है कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ वो गठबंधन करने को तैयार है जिनकी विचारधारा उनसे मिल